नमस्ते प्रणाम। और फाइनली हम लोग नेपाल से सारे लोग सुरक्षित आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पब्लिक का बहुत प्यार था, इसीलिए मैं दोबारा गया ताकि सबकी शिकायत दूर हो जाए। और सारी टीम बड़ी सुरक्षित इंडिया आ गई। दिन में ही शो था, करीब 5 लाख से ज़्यादा का भीड़ था। आज तो लग रहा था पूरा नेपाल ही आ गया है। ये लोगों का प्यार था और मैं लाइव आया, इसीलिए आप सबको बता दूं कि आप सबके दिल में एक डर रहती है कि फिर से मेरा बेटा मेरा भाई नेपाल गया है, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन मैं सुरक्षित आ गया और बड़ी उम्दा कल वहाँ पर खूब गाया, आज जी भर के गाया। लगातार 3-4 दिन से भागी दौड़ कर रहा हूँ मैं, कहीं ना कहीं आपका प्यार ही आप लोग उस लायक समझते हैं अपने बेटा अपने भाई को। और आज 1 तारीख है, आज महाशिवरात्रि भगवान भोले का दिन है और आप सबको ढेर सारी शुभकामना महाशिवरात्रि की। और मेरा 4 तारीख को एक सिनेमा बहुत ही अच्छा बहुत खूबसूरत सिनेमा रिलीज हो रहा है आशिकी, जिसका लुक से लेकर गाने से लेकर और हमारी बहुत उम्दा कलाकार मनी अमरपाली दुबे जी, जिन्होंने मेरे साथ पहली बार स्क्रीन शेयर किया है एज ए हीरोइन, ऐसे गाने उन्हें तो उनके साथ मैंने की है बट पहली बार उनके साथ मैंने एज ए लीड सिनेमा किया है। और बड़ी खूबसूरत सिनेमा बनी है और सिनेमा को मैंने लिखा है, मेरी सोच थी वो सिनेमा। और राकेश भैया ने उसको सजाया था, राकेश त्रिपाठी जी ने बहुत खूबसूरत सजाया उन्होंने, पराग पाटिल जी ने उसको बहुत बढ़िया से शूट किया है और हमारे प्रदीप के शर्मा जी ने बहुत खूबसूरत सिनेमा का हिस्सा बनाया है हमें। और हम लोगों ने इलाहाबाद में शूट किया था उसको। उस टीम से आज की फिल्म से जितने लोग जुड़े हैं सबको दिल से प्रणाम कि आप लोग इतने प्यार और शिद्दत से काम किया है एक अच्छी सिनेमा के लिए। तो हमेशा तो गाना आप लोग सुनते ही हैं और आज का एक गाना भी मेरा ट्रेंडिंग में नंबर 1 पे है, जो कि अक्षरा जी और मैं काम किए हैं, अक्षरा जी ने गाया भी है और मैं गाया हूँ और हम लोगों ने फेसिंग किया है। और अक्षरा जी के चैनल पे ही वो गाना है और 1 नंबर ट्रेंडिंग में है, वो फाइनली 1 नंबर ट्रेंडिंग पर आप लोगों ने ला ही दिया। तो आप सब जनता को ढेर सारी शुभकामना कि आप लोगों ने एक और गाना मेरा सारेगामा कारवा से है, सारेगामा हम भोजपुरी कि अपन परवल के लिए तारू 100 रुपया तो हमारे बैगन के दाम देव कहे रुपया। और हमारे साथ आज हमारे सारथी चंदन जी हैं, हमारे बड़े भाई देखिए विकास सिंह वीरप्पन जी, ये हमारे बाबा आदरणीय बाबा जिनके आशीर्वाद हर स्टेज से लेकर हर जगह मिलता रहता है, ये हमारा छोटा भाई चिक्कू। तो हम लोग चारों पांचों लोग फाइनली निकल चुके हैं और बाकी टीम भी सब लोग इंडिया में आ गए हैं। तो ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद देते रहिए। और आशिकी फिल्म के लिए मैं खास करके लाइव आया और आपको बताना भी था कि हाँ भाई मैं फाइनली नेपाल से सुरक्षित आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बड़ी प्यारी जनता है नेपाल की, उन लोगों ने बड़ा प्यार दिया हमें, मैंने इतना प्यार कि आप सोच नहीं सकते। उतनी भीड़ मुझे लगता है कि बहुत कम ऐसे जगहों पे होती है, लग रहा था कि सैलाब आया है। और बाबा के नगरी में बड़ा मज़ा आया मुझे गा के, रानी चटर्जी जी थी, माही मनीषा जी थी, सब लोग थे, पूरी टीम थी, अखिलेश कश्यप से लेकर सोमिया जो कि मेरा टाइटू बना के बेचारी अपने हाथों पे मेरी पूरे मेरे फेस का टाइटू बनाई है वो बच्ची, तो उसको दिल से और बड़ा प्यार करते हैं नेपाल के लोग उसको, दिल से धन्यवाद सबको, पूरे नेपाल की जनता को कि आप लोगों ने इतना सम्मान और प्यार दिया हमें। तो फाइनली मेरी यूपी छोड़ के बाकी हर जगह पे रिलीज हो रही है मेरी सिनेमा और बड़ी खूबसूरत सिनेमा है। और खूबसूरत सिनेमा मुझे पता है कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे, बस बहुत दिन बाद फिर से मैं एक सिनेमा लेके आ रहा हूँ और ऐसा प्यार दे दीजिए, ऐसा प्यार दीजिए कि लगे कि हाँ नहीं हमारा भोजपुरी जिंदा है। क्योंकि आप जब चाहते हैं तभी एक सैलाब आता है आपके प्यार और मोहब्बत का,
और मोहब्बत का सैलाब 4 तारीख को आप सबको देना है। और प्लीज़ बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि एक अच्छा फिल्म है और बड़ी खूबसूरत सिनेमा, मेरा लुक से लेकर हर वो चीज़ हम लोगों ने बड़ा शिद्दत से मेहनत किया है, हर आदमी ने, पराग पाटिल से लेकर प्रदीप शर्मा जी, अमरपाली दुबे जी से लेकर श्रुति जी और श्रुति